भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज जिले के सभी मतदान केंद्रों में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जबकि ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किए रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के मुख्य अतिथि हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश AK सिंह के विशिष्ट अतिथि में सम्पन्न हुआ। इस दौरान मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जबकि मतदाता पुनरीक्षण मतदाता जागरूकता अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही मतदाता सूची में हाल ही में नाम दर्ज कराने वाले युवा मतदाताओं को परिचय पत्र भी बांटा गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह, ADM इला तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर SDM नीलमणि अग्निहोत्री, अतिरिक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग आशीष द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर अमरजीत सिंह सहित अन्य को सम्मानित किया गया। वहीं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत संबोधित किया गया। इस दौरान श्री चौहान द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए नवाचार का शुभारंभ किया गया। प्रस्तुत कार्यक्रम की एक झलकी सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह से जानकारी के अंश। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और आज लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू हुए पूरे 10 साल हो गए। लोक सेवा के माध्यम से आम नागरिकों को सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन सुविधाओं की समय सीमा निर्धारित की गई है। व्यक्ति लोक सेवा गारंटी केंद्र में आवेदन देकर उन सुविधाओं का लाभ ले सकता है और जिन सुविधाओं की समय सीमा निर्धारित की गई है उसके बाद अगर संबंधित अधिकारी द्वारा उस सेवा को प्रदाय करने में लापरवाही की जाती है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वो जुर्माना 250 रुपये प्रति दिन का है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने से सेवाओं में सुधार कर मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, नक्शे की नकल, नामांकन, छात्रवृत्ति, छोटे छोटे कार्य जिनके लिए आम जनता को आम व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था इस कानून के लागू होने से वो सेवाएं उनकी पहुंच में आ गई हैं और उनको उसका तत्काल लाभ मिलने लगा है। कि देश में मतदाताओं को जागरूक करना, जिससे कि वो किसी भी खास कारण से जो चुनाव होता है उस चुनाव से बच करके एक स्वतंत्र, एक अच्छा विकासशील विकास के नज़रिया से देखने वाली सरकार का चयन करने के उद्देश्य से मतदाता को प्रतिशत बढ़ाने का उद्देश्य है इसका। और निश्चित रूप से उस समय लोगों में आकर्षण का केंद्र था कि वास्तव में क्या ऐसा संभव है। पब्लिक बहुत बड़े ध्यान से सुनती थी कि ऐसा भी कानून मध्य प्रदेश में बना है और निश्चित रूप से ये देश का पहला कानून था इस तरह का बाध्यकारी कानून की सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस काम को करने के लिए बाध्य ही है। अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर उनको दंडित किया जाए और 39 से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 29 विभाग मैंने इसमें